नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, आज 3 मई को तकरीबन 1 बजे के आसपास बिटकॉइन जो है 38,500 US डॉलर के आसपास घूम रहा है। बिटकॉइन इज़ होवरिंग अराउंड 38,500 US डॉलर। तो दोस्तों, ये अभी जो सिचुएशन मार्केट में बन रही है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि चाहे हम कितने भी जो है पोर्टफोलियो माइनस में दिखाए, कितना भी लॉस में दिखाए, मेरा सजेशन, मेरा जो पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट का हो, देखिए, लॉस में बेचना कभी भी सॉल्यूशन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, कभी भी उस पैसे से क्रिप्टो खरीदना या कोई भी स्टॉक खरीदना जो आपका फ्री नहीं है, वो एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब उसका कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इसको आप ज़रूर ध्यान रखोगे। और अभी जो मार्केट की जो सिचुएशन है, 38,500 US डॉलर के आसपास BTC चल रहा है। BTC की बात मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो मार्केट को लीड कर रहा है। अगर BTC उठेगा तो बाकी सारे कॉइन भी, जितने भी ओल्ड कॉइन हैं, सब उसके साथ उठेंगे। अगर BTC गिरेगा या BTC हाँ गिरेगा तो सारे उसके साथ गिरेंगे। अगर BTC चढ़ेगा या स्टेबल रहेगा तो ओल्ड कॉइन जो है वो चढ़ेंगे। ये एक रूल ऑफ थंब है मार्केट का। तो दोस्तों, अब जो सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर की मार्केट कमर तोड़ चुकी है, क्योंकि जिसको नहीं ट्रिक आती वो फंस चुका है, वो अब लॉस में बेचने को मजबूर हो रहा है, क्योंकि कहीं उसको EMI देना है, कहीं उसको जो अदर कमिटेड एक्सपेंसेस हैं वो देने हैं, रेंट देना है। तो बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर का कमर टूट चुका है और बहुत सारे जो हैं लॉस में एग्ज़िट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मार्केट इतने पे नहीं रुकती है। जी हाँ दोस्तों, ये अभी यहाँ रुकेगी नहीं, इसने बहुतों की कमर तोड़ दी। और जो बहुत स्टबर्न हैं, जो बहुत ढीठ हैं, जो अभी भी बचे हुए हैं, उनके लिए एक खबर मैं आपको और बता दूँ कि एक झटका और दिया जाएगा। जी हाँ, एक झटका और दिया जाएगा। और जो जो अपने आप को बहुत ही ढीठ इन्वेस्टर समझते हैं कि मैं नहीं बेचूँगा, कहीं ना कहीं उस झटके में वो इन्वेस्टर जो है एग्ज़िट करेंगे। और ये झटके को जो सहेगा, वो अपने आप को रियल इन्वेस्टर, वो अपने आप को एक ढीठ इन्वेस्टर, एक स्टबर्न इन्वेस्टर कह सकता है। बाकी सब जो होते हैं वो वीक इन्वेस्टर होते हैं। तब तक नहीं बेचना जब तक ग्रीन, डार्क ग्रीन में आपका पोर्टफोलियो नहीं आ जाता। हर एसेट जो आपके पोर्टफोलियो में है वो ग्रीन कलर में दिखनी चाहिए, तब आपको सेल करना है। अब इसको फिर से समझते हैं कि एक और झटका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बचे हुए ढीठ इन्वेस्टर हैं, जो बचे हुए स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग होल्डर हैं, उनको और निकालने के लिए एक और झटका दिया जाएगा। अभी 38,500 से ये मान के चलो आप 4,000 से 5,000 डॉलर तक BTC को और तोड़ दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो झटका होगा वो लास्ट होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ, और वो टाइम आ गया है जब हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने वाली है। बहुत सारे वीक इन्वेस्टर को, वीक नहीं कहूँगा, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर, लेकिन जो थोड़ा सा अब डर गए हैं, उनको फाइनली मार्केट से आउट करने का समय आ गया है। तो दोस्तों, रुके रहना है, बचे रहना है, होल्ड करके रखना है। और अगर आप नहीं देख सकते लॉस को, आप मार्केट को देखना छोड़ दें, लेकिन लॉस में मत बेचें। और अगर आप उसको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो इसको आप लॉस में बेच दें और एक प्लेज लें, एक कसम खाएं कि दोबारा ज़िंदगी में आप मार्केट में एंटर नहीं करोगे।
उस वो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप दोबारा मार्केट में फिर एंटर तब करोगे जब मार्केट से एग्जिट करने का टाइम होगा, जब मार्केट चढ़ रही होगी आप मार्केट से जो है मार्केट में एंटर करने की उस टाइम कोशिश करोगे, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी भूल होगी। अगर आपको लॉस में एग्जिट करना है तो आप कसम खाओ कि दोबारा एंट्री नहीं लोगे, और अगर दोबारा एंट्री लोगे तो उस प्राइस से कम में लोगे जिसमें आप एग्जिट कर रहे हो। तो ये कुछ रूल हमने याद रखने हैं, और सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा और एक झटका, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक झटका और लगने वाला है, अगर आप उसको झेल जाते हैं तो आप मार्केट को अच्छे से समझ गए। अगर आप नहीं झेल पा रहे हैं तो लॉस लीजिए और पूरी लाइफ के लिए किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से परमानेंटली एग्जिट कर जाइए, क्योंकि दोबारा एंट्री आप तब लोगे जब आप फिर चढ़ती मार्केट देखोगे, जो कि बेचने का टाइम होगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक और झटका सहने के लिए तैयार रहना है और जुटे रहना है। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की थंटी की जानकारी के लिए। धन्यवाद।